तो मैं वापस आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ कि मैक्स प्लेयर में डिलीट हुई वीडियो वापस कैसे पाए, यानी कि पहले जो अप टू डेट था मैक्स प्लेयर के अंदर में कि पहले डिलीट करते थे वीडियो, उसे रिकवर नहीं कर पाते थे, कोई भी ऑप्शन वहाँ पे रिकवर करने का नहीं आता था। बट अब मैक्स प्लेयर में वीडियो डिलीट होने के बाद रिकवर हो सकती है, उसके लिए आपको एक सेटअप करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आहिर, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक नए टेक वीडियो के साथ। तो चलिए मैक्स प्लेयर में डिलीट वीडियो को किस तरह से रिकवर करना है वो मैं बताता हूँ, और साथ ही साथ मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से आप सेटअप करके रखेगा मैक्स प्लेयर के अंदर, तब आपका वीडियो रिकवर होगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना समय गवाए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पगरी टेक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो फिलहाल मैं अपने डिस्प्ले पे आ चुका हूँ। आने के बाद आपको नॉर्मल से प्ले स्टोर ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद आपको सिंपल से सर्च कर देना है एमएक्स प्लेयर, और यहाँ पे आपका सर्च होने के बाद एमएक्स प्लेयर में आपको यहाँ पे अप टू डेट का ऑप्शन देगा, तो सिंपल से इसे आप अप टू डेट कर लीजिएगा। फिलहाल मेरा अप टू डेट है तो यहाँ पे ओपन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। उसके बाद ओपन वाले ऑप्शन पे नॉर्मल से क्लिक करना और मैक्स प्लेयर के अंदर चले आना है। उसके बाद आप कोई सा भी वीडियो आपको एक सेलेक्ट कर लेना है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं डाउनलोड वाले ऑप्शन में या फिर इंस्टाग्राम रील्स में या कई सारे यहाँ पे वीडियो मेरा फोल्डर है, तो मैं चलिए इंस्टाग्राम रील्स का ही एक वीडियो डिलीट करके आपको दिखलाता हूँ। तो डिलीट वाले जैसे ही मैं ऑप्शन पे अभी सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, पहला डिलीट परमानेंट और दूसरा जिससे कि वीडियो डिलीट होने के बाद रिकवर हो जाएगा। तो सेव टू एम क्लाउड एंड डिलीट है, दूसरा ऑप्शन ये है। तो सिंपल से पहला ऑप्शन मैं क्लिक करके दिखाता हूँ, पहले डिलीट परमानेंटली करता हूँ। यह वीडियो डिलीट हो चुका है परमानेंटली, इसे दोबारा रिकवर नहीं कर सकते हैं। और अब आते हैं दूसरा ऑप्शन, जिससे कि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में सेव टू एम क्लाउड एंड डिलीट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, जिसमें कि वीडियो रिकवर होगी। तो यहाँ पे आपको एक सेटअप कंप्लीट करना पड़ेगा, जिससे कि आपको पहले यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा अपना, और यहाँ पे वह मोबाइल नंबर फिल करना जो कि आपके फोन में लगा हो। तो आपको सिंपल से उस नंबर को डालना जो आपके फोन में अवेलेबल हो सिम, तो उस पे सिंपल से एक ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद वो खुद ब खुद यहाँ पे फिल हो जाएगी ओटीपी, उसके बाद आगे नेक्स्ट करना, और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सिंपल से अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यह पूरा तरह से अपलोड हो जाएगा तो आपका वीडियो मैक्स प्लेयर से हट जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी और यहाँ पे एम क्लाउड में यह सेव हो जाएगा, और आप इसे चाहें तो आप रिकवर कर सकते हैं, यानी कि रीस्टोर आप इस वीडियो को दोबारा से कर सकते हैं मैक्स प्लेयर के अंदर। अब मैं सिंपल से बैक आता हूं और एम क्लाउड का फोल्डर दिखाता हूं। यहां पे कोने वाले पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं आपको एम क्लाउड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, सिंपल से इस पे क्लिक करना है। और यहां पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको अंदर एक फोल्डर देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपका जो वीडियो डिलीट किए रहेंगे वो वीडियो यहां पे सिंपल से उपलब्ध रहेगा। और यहां पे देख सकते हैं नेट से ही बिल्कुल चलेगा, यानी आपके पास नेट रहेगा तभी यह चल पाएगा वीडियो, और इसे दोबारा अगर रीस्टोर करते हैं तो फिर यह ऑफलाइन जैसा वीडियो चलने लग जाएगा, यानी वीडियो रीस्टोर हो जाएगा, फिर से उसी फोल्डर में चला जाएगा जिस फोल्डर में था, और वहां से वीडियो आप नॉर्मल से देख सकते हैं ऑफलाइन के ही तरह। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ चुका होगा, और साथ ही साथ आप इस तरह से आप मैक्स प्लेयर के अंदर सेटअप कंप्लीट करके रखिएगा, तब भी आपका वीडियो रिकवर होगा वरना नहीं होगा। और हाँ, ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं यानी कि प्रॉब्लम से आप घिरा हुआ है और प्रॉब्लम आप टेक्निकल इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया पगरी टेक